मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लीवर रोग के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं। लीवर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट के दाईं और रीढ़ के बीच में स्थित होता है। लीवर मुख्य रूप से कई सारे कार्यों जैसे भोजन को पचाना, शरीर से टॉक्सिन पदार्थ को बाहर निकालना, खून को सारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना इत्यादि को करता है। लेकिन जब लीवर इनमें से किसी भी कार्य नहीं कर पाता तो उस स्थिति को लीवर रोग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लीवर की बीमारी से तात्पर्य ऐसी बीमारी है जो लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। लीवर रोग मुख्य रूप से कई प्रकार हैं। हेपेटाइटिस, लीवर का खराब होना, लीवर में सूजन होना आदि होते हैं। लीवर रोग के कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पीलिया, लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस, लीवर का खराब होना, लीवर में सूजन होना, लीवर सिरोसिस यानी लीवर में घाव, फैटी लीवर। संक्रमण का होना, लीवर की बीमारी किसी संक्रमण के कारण हो सकती है। आनुवांशिक कारण का होना, यदि किसी व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य को लीवर संबंधी कोई बीमारी है तो उस व्यक्ति को भी उसके होने की संभावना अधिक रहती है। अधिक वजन का होना, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना, डायबिटीज का होना, कब्ज का होना इत्यादि। लीवर की समस्या का पहचान, पेट, पैरों, एड़ियों में दर्द और अत्यधिक सूजन। दूसरा, त्वचा का हमेशा लाल रहना और उसमें खुजली होते रहना। यूरिन का रंग गहरा हो जाना। मल पीले रंग का होना या उसमें खून आना। आसानी से थकने लगना। उबकाई आना। भूख न लगना, उल्टी आदि होते रहना। पेट में होने वाला हल्का सा दर्द भी लीवर को नुकसान होने की शुरुआत का संकेत हो सकता है। अगर बार बार पेट में असहनीय दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। वजन नियंत्रण करें। अचानक तेजी से वजन घटाने व बढ़ाने से परहेज करें। ये क्रेश डाइट के परिणाम होते हैं जो लीवर को प्रभावित करते हैं। वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी और स्थिर होनी चाहिए। अपना लक्ष्य हासिल होने तक वजन स्थिर दर से घटाएं। फैट इत्यादि वसा से दूर रहें। ओमेगा फैटी एसिड, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, क्लोवा ऑयल, एवोकाडो और फ्लैक्सी में मिलने वाला फैट लीवर के लिए अच्छा होता है। मांस और मक्खन या अन्य पशु उत्पादों में मौजूद फैट से लीवर के फैटी होने की आशंका बढ़ जाती है। भोजन में फाइबर शामिल करें। डाइट में अधिक से अधिक मात्रा में फाइबर रेसेवल को शामिल करें। इसके साथ ही कैल्शियम की अच्छी मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का भी सेवन करें। व्यायाम, शरीर के सुस्त पड़े रहने से रोगों का जोखिम बढ़ जाता है और उससे
पाचन प्रक्रिया सुस्त हो जाती है, साथ ही पेट भी साफ नहीं रहता। इस कारण वाइल जूस गाल ब्लाडर बाहर नहीं निकल पाता और इससे लीवर प्रभावित होता है। ढेर सारा पानी पीना, किसी भी बीमारी विशेष तौर पर जिसमें गैस्ट्रोनॉमिकल अंग शामिल हो, से बचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है पानी, चीनी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सामूहिक तत्व होते हैं। शरीर की प्रत्येक सेल में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आसानी से हो जाता है, लेकिन फ्रक्टोज के साथ यह क्रिया थोड़ी अलग है और यह सिर्फ और सिर्फ लीवर में ही मेटाबोलाइज हो सकता है। लीवर में फ्रक्टोज के स्तर से शरीर प्रभावित होता है और इससे जटिलता बढ़ जाती है। यह कुछ सुपर फ्राइड फ्रूट्स बताने जा रहे हैं जो शरीर व लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां लीवर की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इन्हें शामिल करें। अंगूर, चुकंदर, पपीता, गाजर और एवोकाडो कुछ ऐसे फल हैं जो लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। अपनी डाइट में से हानिकारक खाद्य पदार्थों को हटाएं और ताजे फल व सब्जियों के सेवन पर ध्यान दें। रेशेदार खाद्य पदार्थ क्रिया को सरल बनाते हैं, जो एक तरह से लीवर के मदद ही हैं। लीवर रोग का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराना। लीवर रोग से बचाव, शराब का सेवन न करना, वजन का कायम करना, समय समय पर दवाई लेना, पौष्टिक भोजन करना, त्वचा की देखभाल करना, मास्क को पहनना, मेडिकल सहायता लेना। होम्योपैथिक उपचार, पहला कार्डवस मेरिएमस क्यू, दूसरा चेलिडोनियम मेजस क्यू, तीसरा लाइकोपोडियम 30, चौथा फास्फोरस 200, पांचवा नक्स भूमिका क्यू, छठवा ब्राइनिया एल्बम, सातवा लेप्टरेडा वर्जिनिका, आठवां नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x आदि दवाएं लीवर रोग में चलाई जाती है। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।